नमस्कार। सो जब से यूपी की कट ऑफ बढ़ी है, जैसे हम जानते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में खासकर हलचल है, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोग बड़े परेशान हैं। तो कल भी बहुत लोग फेस टू फेस मीटिंग के लिए मेरे पास आए। तो देखिए, जो मैं पहले से आपको समझाया था, मैंने वीडियो 15 दिन पहले बनाया था राजस्थान को लेके, और कमाल की बात होती है, लोग मेरे पास आए, वो बिल्कुल राजस्थान में जिसे कहते हैं वो फीस ट्रांसफ़र करने वाले थे, जो फ्रॉड एजेंट आपको कॉल करते रहते हैं या एजेंट आपको कॉल करते रहते हैं, और उनको पता ही नहीं था। कहते सर वो कह रहे हैं राउंड टू में सीट मिल जाएगी, पर मैंने कहा राउंड टू में तो सीट मिल नहीं सकती क्योंकि 2023 में रूल चेंज हो गया, उनको पता ही नहीं है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, जिसको भी फ़ोन आ रहे हैं, सबसे पहले ना ब्रोशर, और देखिए सब चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में अगर 25 काउंसलिंग चल रही है ना, 25 के 25 की वेबसाइट होती है। एक एक इन्फॉर्मेशन जो हम आपको वीडियो में बताते हैं वैसे बताते हैं, हम कोई आसमान से लेकर नहीं आते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइटों पर छपती है। तो कोई आपको यूपी की कट ऑफ बता रहा है, कोई आपको ये बता रहा है कि भाई इस कॉलेज में इतनी सीटें इस नंबर पर मिली, ये सब वेबसाइटों पर है। आप यूपी नीट पर जाओगे, एक एलोकेटेड एंड वैकेंट सीट का सेक्शन है, उसमें आपको ए टू जेड सारी बच्चों की लिस्टें दिख रही है, उन्हीं वहीं से निकाल निकाल के हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। वो ठीक है कि सबके पास उतना समय नहीं है, तभी तो हम बैठे हैं ना, और तभी आप लोग हमको हायर करते हो ताकि आपका समय बचे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, खासकर जहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, कि भाई उत्तर प्रदेश का अपग्रेडेशन रूल क्या है। तो उत्तर प्रदेश के ब्रोशर में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सिमिलरली भाई राजस्थान का ब्रोशर पेज नंबर 8 बिल्कुल मिडल में ना, जब वो एक लिखा हुआ है 11 नंबर कि भाई अदर, क्योंकि जितने भी राजस्थान के बाहर के लोग हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो तो हम अदर में आते हैं। तो बिल्कुल जब 8वें नंबर की पेज को आप ऊपर से पढ़ोगे, 11 लिखा आएगा अदर, उसके नीचे सेकंड पैराग्राफ पे क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स सिलेक्टिंग कोर्स क्लॉज 11 अदर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई टू पार्टिसिपेट बट विल बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट अगेंस्ट ऑल सीट्स गवर्नमेंट मैनेजमेंट NRI अवेलेबल फॉर एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट आफ्टर ड्यूरिंग राउंड 3। अब ये जो लाइन है ना, आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट, पहले ये समझो एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट का मतलब होता है, पहली बात तो 2022 से 23 में क्या रूल चेंज हो गया, पिछले साल यही लाइन थी आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग आफ्टर राउंड 2, जिसको बना दिया राउंड 3। दैट मीन्स राजस्थान भी इस बार भी जब राउंड 2 आएगा तो सिर्फ राजस्थानियों के लोग, चाहे सीटें खाली रह जाएँ, अगर आपका डोमिसाइल राजस्थान नहीं है, आप वो पहले 10 सेक्टर में नहीं आए, डोमिसाइल के अलावा भी जो वेरियस सेक्टर्स हैं ना जिनको राजस्थानी कोटा मिलता है बेसिकली, तो आपको राउंड 2 में सीट मिल ही नहीं सकती। क्लियर हो गया? मेरे पास भी लोग आ रहे हैं कि सर आप बड़े अच्छे ईमानदार हैं, आप हमारी तरफ से नेगोशिएशन करो। मैं कहा अभी करने का फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि नेगोशिएशन करके आपकी मैं फ़ीस ट्रांसफ़र करा दूँ, और मैं उस बात पर फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहली चीज़, राउंड 2 में भी मिल नहीं सकती। अब लेट्स से आपके 220 नंबर भी हैं, तो पहले और जगह ट्राई करो ना, क्या पता आपको अपने आप MMU साधोपुर मिल जाए हरियाणा का, क्या पता आपको कोई और कॉलेज मिल जाए। और ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ चॉइस। देखिए MGM राजस्थान तो मिलना ही नहीं है ना, उसके बाद गीतांजलि अमेरिकन आर वेरी गुड, NIMS की लोकेशन अच्छी है, दैट्स वाई इट इज़ सॉट आफ्टर फ्रॉम दिल्ली गाइस, बट JNU पैसिफिक तो ठीक है, एवरेज ही है, और वो भी अच्छा है जो कि आपका तांतिया है। बट एनीवे द पॉइंट इज़, आपको भी तो सीट मिलनी नहीं है। फिर लोग कहते हैं सर नेगोशिएशन करके ना सीट ख़त्म हो जाएंगी, मैं कहा होती ही नहीं है, तो वो भी अपराध की बात समझ लो। राउंड 2 तो राजस्थान है, लेट्स से आज आपके साथ किसी, तो पहले समझिए कि प्रोसेस कैसे चल रही है। राउंड 2 में तो सिर्फ राजस्थान होगा, फिर राउंड 3 आएगा, और इस बार वो राउंड 3 ऑफलाइन करेंगे, जो लास्ट राउंड 2 किया था जयपुर में होगा फिर से। उस दिन भी जो भी राजस्थानी बच्चा आएगा, ये मतलब हो गया इस लाइन का आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्टेट मेरिट लिस्ट, पेज नंबर 8 ब्रोशर जो राजस्थान की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है RajUGNEET2023.com, बड़ा सिंपल URL है RajUGNEET2023.com RajUGNEET2023.com। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वो लिखे होते हैं ना, उसमें लिखा होगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, 39 पेज का है, 8वें नंबर पेज में बस बिल्कुल मिडल में आएगा लाइन, 11 नंबर जो क्लॉज लिखा आएगा उसके नीचे दो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि स्टेट मेरिट लिस्ट, दैट मीन्स राउंड 3 वाले दिन भी अगर राजस्थानी बच्चा पहुंचा हुआ 150 नंबर का और आप हो 400 नंबर के, तो भी उसको पहले सीट मिलेगी। तो कल जो मेरे पास आया था बेसिकली MGM की वो 27 लाख वाली सीट लेना चाहते थे, मैं कहा वो तब मिलेगी सर जब पहले राजस्थानी कोई नहीं लेगा सीट को,
उस दिन फिर वो वैकेंट हो गई, और जब हमारा नंबर, उनके नंबर बहुत अच्छे थे भाई, पर उनको एम जी एम पसंद है शायद मेरी वीडियोज़ देख कर, पर सीट तो तभी भी लेगी ना जब राजस्थानी छोड़ देगा। तो पहले राजस्थान का राउंड वन ख़त्म होने दो, राउंड टू ख़त्म होने दो, राउंड थ्री का सीट मैट्रिक्स आने दो, और ये जो नेगोशिएशंस भी हैं तो ये तो मगर तो आपको पता चल जाएगा कि एम जी एम में कोई 27 लाख वाली सीट भी बची है कि नहीं बची है अब दूसरों के लिए। आप अभी से पैसे क्यों ट्रांसफ़र करें, एक बार राउंड टू पूरे इंडिया में देख लो, एम सी सी का राउंड टू देखो, पूरे स्टेट्स का राउंड टू देखो, एम सी सी का मे बी राउंड थ्री देख लो, क्योंकि जब आप एक प्लस दे ही रहे हो राजस्थान में हॉस्टल मिला के। एक तो जब भी मैं कोई फिगर बोलता हूँ ना आपको खर्चे की, मेरी आदत है मैं हमेशा हॉस्टल और मेस मिला के बोलता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर कि हरियाणा के स्टेट कॉलेज का बजट 74-75 है तो हॉस्टल्स मिला के, जब मैं बोलता हूँ जॉली ग्रांट श्री गुरु रामपुरा 1-5 हो गया तो हॉस्टल मिला के, मुलाना मैं कहता हूँ सोलन 1 हो गया है तो हॉस्टल मिला के, बाकी पूरा हिंदुस्तान आपको बोलता है बिना हॉस्टल के। अरे भाई हॉस्टल प्लस मेस भी तो 5.5 साल का आपका 12 से 15 लाख रुपये हो जाएगा, पर वो फिगर तो आपके मन में बजट आया। कोई आपसे कह रहा है कर्नाटका का स्टेट प्राइवेट कॉलेज में आपको 95 में दिला दूंगा, तो भाई अगर वो वाकई दिला भी दो 95 प्लस 15 भी आने हैं तो 1-10 हो गए ना, अब 1-10 और 95 में बहुत फ़र्क होता है। एनीवे सो राजस्थान के भी सारे आपको कोई 1 से कम में मिलने वाले नहीं हैं हॉस्टल मिला के, और 1 में तो पहले आप पूरी ट्राई मार लो ना, बाकी स्टेट्स राउंड 2 में मार लो, एम सी सी राउंड 3 मार लो, नेगोशिएशन तो हमेशा तैयार है, रेट तैयार है। और आज जहाँ तक बात कॉलेज की आ गई, आज सीट तो आपको तभी मिलेगी जब काउंसलिंग वाले दिन बची होगी। तो इस नेगोशिएशन का मतलब क्या है समझिए, मतलब ये है आपको राउंड 3 में बुलाया जाएगा जयपुर, आप खड़े हो, पहले सबकी लिस्ट ख़त्म हो गई, आपका नंबर आना चाहिए पहली बात ये। अगर आपसे ऊपर सारी सीटें ख़त्म हो गई ना, या जो कॉलेज आपने पसंद कर रखा है उसकी सीटें ख़त्म हो गई, जनरल भी मैनेजमेंट भी बस स्टेट और मैनेजमेंट, फिर आप ख़त्म, वो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। तो मैं खुद भी करता हूँ, द बेस्ट थिंग इज़ बात करके रखिए। अगर आप 3-4 कॉलेज बात करके रखिए और समझिए, 3-4 कॉलेज का रेट हाथ में होना चाहिए थ्रू मी थ्रू एनीबडी एल्स, जिस दिन हम खड़े हैं, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ हमेशा राजस्थान के ऑफलाइन राउंड में, और कॉलेजेस सब वहाँ पर मौजूद हैं, हाथ की हाथ आपको सीट मिल रही होती है, कॉलेज वाले सारे वहीं बैठे हैं जो रेलिवेंट लोग हैं, आप हाथ की हाथ बात करते हो, फाइनल जिसे बोलते हैं कि सर ये अलॉटमेंट लेटर मुझे दे रहे हैं सीट का, अगर आप मुझे इस रेट पे सीट फाइनल करते हो, या उस दिन पहुंच के हमने कॉलेज से दोबारा बात कर ली, सारे कॉलेज वाले वहाँ बैठे हैं, हमने एक दिन पहले बात कर ली, 2 दिन पहले बात कर ली क्या फाइनल रेट है, और उस दिन बेसिकली हम मॉपअप वाले दिन ही फाइनल करेंगे जी, उसी दिन हाथ की हाथ आपको कहते हैं चेक पकड़ा देंगे, वहीं खड़े होकर आपके अकाउंट में 2-4 लाख का RTGS कर देंगे, जो भी करना है तो भी हो जाएगा। और उस दिन जो आपसे पहले वाले बच्चे हैं, आपकी अगर बात 90 में रखी थी ना और उन्होंने 95 ऑफ़र कर दिया, तो वो सब सीटें उनको दे देंगे और आपकी फ़ीस 15 दिन बाद वापस कर देंगे, क्योंकि कॉलेज तो कॉलेज है ना, उसको तो पैसे कमाने हैं, राइट। तो आपसे ऊपर वालों को तो वो तो अपने ये सब काम करेंगे, तो आप उनके में ना के ना आप अपना भला सोचिए, राइट। तो फिर भी नेगोशिएशन होती है, और वो इसलिए होती है कि ठीक है 26-26 लाख रुपये फ़ीस का रखी है, तो कौन देगा 1.25 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख, तो वो कर देते हैं 20-25 लाख का डिस्काउंट, बट वो डिस्काउंट ऑफलाइन मॉपअप से 3 दिन पहले लीजिए, उस दिन बात कीजिए कि बताओ जी भाई सीट कितने में दे दोगे, मैं 3 दिन बाद ऑफलाइन आ रहा हूँ, उसमें आप हमारी मदद किसी और कसरगढ़ की मदद लीजिए, रेट फाइनल रखिए, पेपर्स रेडी रखिए, उस दिन पहुँचिए। और मैं एक नहीं मांगूंगा 3 कॉलेज से बात करके रखिए, क्योंकि ये भी आपको नहीं पता कि आपका जब नंबर आएगा तो कौन सी सीट बची है, कौन सी सीट ख़त्म हो गई है, और फिर आप लीजिए। तो मैं हमेशा मैं सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि राजस्थान ऑफलाइन मॉपअप तो बिल्कुल लास्ट टू लास्ट बैकअप है, उससे पहले MCC राउंड 3 ख़त्म हो चुका होगा, सब स्टेट्स के राउंड 2 ख़त्म, काफ़ी स्टेट्स के राउंड 3 साथ साथ चल रहे हैं ऑनलाइन, इस बार उत्तराखंड भी ऑनलाइन है, हरियाणा भी ऑनलाइन है, हिमाचल भी ऑनलाइन है, अगर हम नॉर्थ की बात करें UP भी होगा, एंड देन डेट्स प्ले अ पार्ट। मे बी आप ये भी देख सकते हो, क्या पता मुझे उत्तराखंड में राउंड 3 में कुछ मिल जाए, मुझे हरियाणा में मिल जाए, हरियाणा में भी अनदर सीट कन्वर्ट होती है राउंड 3 में, और वो सब खाली होने के बाद मैं राजस्थान के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने गया। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी होती है, इसलिए हम अपनी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विस देते हैं। और वही मैं बार बार कहता हूँ कि विवेक गुप्ता मी एज ए पर्सन एंड जी के वर्स वी एज ए कंपनी, वी आर नॉट MBBS एजेंट और ओनली MBBS काउंसलर्स, वी आर करियर काउंसलर्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई एंड अवर कंपनी स्टैंड्स फॉर। और इसलिए हमसे संपर्क करना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो कॉल ऑन 9643362320, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में और हमारी वेबसाइट और बाकी सब डिटेल्स हैं, एक बार चेक कीजिए हमारी डिटेल्स, आपको पता चलेगा आप किन के साथ डील कर रहे हैं,
और वही हमारा, इसलिए हमारा प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है शायद, जो लोग आपको फ्री में सारे ज्ञान देने को तैयार हैं, क्योंकि वो फ्री में ज्ञान देके ये भी तो कहते हैं ना कि अभी के अभी फ़ीस ट्रांसफ़र कर दो। हम कहते हैं कि राउंड 3 ऑफलाइन 3 दिन पहले सोचेंगे, तब तक भी मिल जाएगी जो मिलनी है, क्योंकि वहाँ तो मेड से ही मिलनी है, राइट, तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।